Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And it is my email ID, and the lecture will be in bilingual mode and will be useful for various competitive teaching examinations as well as for your general and professional courses like BA, MA and BA, MA in education. Okay, so स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आज का टॉपिक जो है वो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का सब हेडिंग है. मैं आपसे कॉग्निटिविज्म पर बात कर चुकी हूँ, कंस्ट्रक्टिविज्म पे बात कर चुकी हूँ, बिहेवियरिज्म पे बात कर चुकी हूँ, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी बात कर दिया है, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म रह गया था. बहुत दिनों से मैं स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म पर आपसे बात करना चाह रही थी, तो आज का टॉपिक स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म पे, मीन संरचनावाद और प्रकार्यवाद, ये जो मोस्ट इनिशियल स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं. ओके, तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म से. व्हेन साइकोलॉजी फर्स्ट इमर्ज्ड एज अ साइंस सेपरेट फ्रॉम बायोलॉजी एंड फिलोसफी, द डिबेट ओवर हाउ टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर बिगेन. द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी रिप्रेजेंट द मेजर थियरीज विद इन साइकोलॉजी. मतलब जब साइकोलॉजी का उद्भव हुआ, जब साइकोलॉजी इमर्ज हो रही है एक विज्ञान के रूप में, अपने आप को पृथक कर रही है जीव विज्ञान और फिलॉसफी से, दर्शन से, तो ये डिबेट स्टार्ट हुई कि कैसे हम मनुष्य के मन और व्यवहार को एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें. तो जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है वो यही रिप्रेजेंट करते हैं कि मेजर थियरीज विद इन साइकोलॉजी. द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट Structuralism was advocated by the founder of the first psychology lab, Wilhelm Wundt. देखिए, जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे थे तब हमने विल्हेम वुंड की बहुत बात की थी कि उन्होंने लिप्जिग में 1879 में पहली जो है वो साइकोलॉजी की लैब बनाई, और वही फाउंडर ठहरते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के, जो कि पहला स्कूल ऑफ थॉट कहलाता है साइकोलॉजी के डिसिप्लिन में. तो स्ट्रक्चरलिज्म है क्या? इज वाइडली रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी. दिस आउटलुक फोकस्ड ऑन ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेसेस इनटू द मोस्ट बेसिक कंपोनेंट. देखिए, नाम ही में क्या है, संरचना. तो ये नाम ही इसीलिए पड़ा है कि ये जो आउटलुक है, ये जो स्कूल है, ये कैसे देखता है कि जो मेंटल प्रोसेसेस है, जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं हमारी, उसको हमको तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है मोस्ट बेसिक कंपोनेंट्स में. वुंड्स आइडियाज फॉर्म द बेसिस ऑफ द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी नोन एज स्ट्रक्चरलिज्म. इन रियलिटी दो इट वॉज वन ऑफ वुंड्स स्टूडेंट्स एडवर्ड बी स्किनर हु फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड दिस साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट. वैसे विल्हेम वुंड इसके मेन प्रणेता है. इन्हीं का आइडिया कि जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनका स्ट्रक्चर देखा जाए, कैसे उनको बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है. लेकिन उनके जो शिष्य हुए वो इसके मेनली मतलब जो स्ट्रक्चरलिज्म है उनके द्वारा तैयार किया गया है. स्ट्रक्चरलिज्म एज ए नेम सजेस्ट वाज सेंटर्ड ऑन इन्वेस्टिगेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड. मतलब सोचिए कि साइकोलॉजी का पहला स्कूल ऑफ थॉट है और वो माइंड जैसी चीज के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है कि हमको उसका स्ट्रक्चर निकाल लेना है तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में. वोंट बिलीव दैट साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन ब्रेकिंग डाउन कॉन्शियसनेस इनटू इट्स बेसिक एलिमेंट्स. वुंड ये विश्वास रखते थे कि साइकोलॉजी को फोकस रखना चाहिए किस पे, अपना, कि जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है हमारी, उसको हम उसके बेसिक एलिमेंट्स में तोड़ सके. द आइडिया ऑफ डिटरमिनिंग द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग एज एब्स्ट्रैक्ट एंड डायनेमिक एज द माइंड मे सीम एब्सर्ड टू मैनी टूडे. लेकिन आज अगर हम देखें तो हम कहें कि कोई कैसे मन को तोड़ने की बात कर सकता है, मानसिक प्रक्रियाएं जो कि गतिशील है, स्टैटिक तो है नहीं मन आपका, हर क्षण वो बदल रहा है, उसके विचार बदल रहे हैं, कितना एब्स्ट्रैक्ट है वो, कोई कॉन्क्रीट चीज तो है नहीं, तो ये एब्जर्ड जान पड़ता है. लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा हमेशा कि ये पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ना, तो ये इस तरीके की बातें लाजमी है. फिर येट स्ट्रक्चरलिस्ट वर कॉन्फिडेंट दैट नॉट ओनली कुड दे अकॉम्प्लिश दिस गोल बट दैट दे कुड डू सो साइंटिफिकली. उसके बावजूद जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो कॉन्फिडेंट थे, उनको इतना विश्वास था कि वो न सिर्फ इस काम को कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से बल्कि इसको साइंटिफिकली भी कर सकते हैं. वुड एडवांस द टेक्निक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एज ए साइंटिफिक टूल दैट वुड इनेबल रिसर्चर्स टू अनवील द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड. वुंड थे, आपने जब मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा है तो उसमें भी इंट्रोस्पेक्शन पहले
शुरुआती आप कह सकते हैं पहला मेथड जो है साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। तो चूंकि स्ट्रक्चरलिज्म का है इंट्रोस्पेक्शन, तो स्ट्रक्चरलिज्म पहला स्कूल हुआ तो इंट्रोस्पेक्शन पहला मेथड हो गया। तो वुल्फ ने कहा कि जो इंट्रोस्पेक्शन है उसको हम साइंटिफिक टूल की तरह इस्तेमाल करें और उसी की सहायता से हम जो स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड है, जो मन की संरचना है, उसको तोड़ सकते हैं, उसको अनवील कर सकते हैं, खोल सकते हैं। The focus of structuralism was on reducing mental processes down into their most basic elements. तो structuralism का संरचनावाद का focus, मुख्य बिंदु उसका main focus कहते हैं, मतलब प्रकाश डालता है जिसपे सबसे ज्यादा emphasis करता है, वो किस पे है कि जो mental processes हैं उनको most basic elements में तोड़ना है। The structuralists used techniques such as introspection to analyze the inner processes of the human mind. और जो structuralist हुए उन्होंने introspection को ऐसी technique के रूप में use किया कि वो ह्यूमन माइंड को की इनर प्रोसेसेस को एनालाइज कर सकते हैं। द इंट्रोस्पेक्टिव एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज्ड बाय द स्ट्रक्चरलिस्ट इन्वॉल्व हैविंग ट्रेन्ड ऑब्जर्वर, मतलब कि ये नहीं कि हम बैठे बैठे इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं या आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी जिससे हम अपने आंतरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकें, स्वयं साइंटिफिकली कर सकें। यूजुअली दिस अप्रोच ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम अपना सेल्फ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं पर एक्सपेरिमेंटल मतलब लॉजिकली कर रहे हैं, साइंटिफिकली कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल्स लाइक वुंच ट्रेन्ड पीपल टू एनालाइज देयर थॉट्स एज केयरफुली एंड ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल। और वुंच ने ट्रेनिंग दी, बहुत से लोगों को सिखाया कि आप कैसे सावधानी पूर्वक और वस्तुनिष्ठ होकर अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का अवलोकन कर सकते हैं। Structuralism emphasizes this systematic study of mind through the analysis of its component and structure by adopting introspection as the main technique. यहाँ structure की spelling गलत हो गई है ना, mind don't mind. तो उन्होंने कहा कि introspection को अगर हम अपनाएं, मुख्य प्रविधि बनाएं, तो हम ऐसा कर सकते हैं. According to structuralists, the main objective of psychology is to study and understand the structure of human mind by analyzing mental experience and discovering वेरियस एलिमेंट्स इन द मैनर इन विच दे आर कंपाउंडेड। उन्होंने कहा कि जो मुख्य उद्देश्य साइकोलॉजी का है, मनोविज्ञान का है, वो यही है कि हम पढ़ें और समझें मानव मन के स्ट्रक्चर को, कैसे जो हमारा मेंटल एक्सपीरियंस है उसको हम उसको एनालाइज करें, डिस्कवर करें, बहुत सारे तत्व निकल के आएंगे और तरीके निकल के आएंगे जिनसे वो जुड़े हैं, बने हैं। The mind is the sum total of various mental experiences. वो कह रहे हैं कि mind क्या है, कुछ और नहीं है बल्कि जो हमारे mental experiences है, बहुत तरीके के, उन्हीं का योग है। And the consciousness is the sum total of mental experiences at a given time. और कह रहे हैं कि चेतना क्या है, एक समय में जितने प्रकार के mental experiences हमारे पास हैं, उन्हीं का sum total है। तो ये बात रही स्ट्रक्चरलिज्म को लेके, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिवली नहीं साउंड कर रहा है, साइंटिफिकली साउंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि शुरुआत ही इस तरीके से हो रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, अगर हम कहें कि स्ट्रक्चरलिज्म ने एजुकेशन को कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया, थ्री टू एम्फसाइज द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द लर्नर अंडर कंट्रोल्ड लर्निंग कंडीशन। कह रहे हैं ना कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिस्टमेटिकली कर सकते हैं, साइंटिफिकली कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली कर सकते हैं। तो एक तो ये इसने सिखाया हमको, और इट इज एन एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन। फिर ये हमको एक्सपेरिमेंटल मेथड सिखा रहा है। इट इनिशिएटेड द स्पिरिट ऑफ साइंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और वुंट एंड हिज फॉलोअर्स हेल्प्ड टू एस्टैब्लिश साइकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड देयर एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी रिमेन्स अ की एस्पेक्ट ऑफ द डिसिप्लिन टुडे। यानी आज भी आप साइकोलॉजी का अगर मेन मेथड पढ़ेंगे तो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड मिलेगा आपको, यानी कि कंट्रोल कंडीशन में आप चीजों को ऑब्जेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। फंक्शनलिज्म आएगा दूसरा। फंक्शनलिज्म फॉर्मड एज अ रिएक्शन टू द थ्योरीज ऑफ द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट एंड वाज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ विलियम जेम्स। देखिए, जब भी कोई थ्योरी आती है और वो पब्लिश होती है तो उसको पढ़ने वाले सब लोग सर्वसम्मति से एक मत उसको स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ लोगों को वो सही लगता है, कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। जो विपक्ष में आए स्ट्रक्चरलिज्म के लोग, उन्होंने ही फंक्शनलिज्म की नींव रखी, और जिसके की मुख्य प्रणेता कौन हुए, विलियम जेम्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमेरिकन स्कॉलर विलियम जेम्स, स्ट्रक्चरलिस्ट वर सोरली मिसगाइडेड। ये कह रहे हैं कि विलियम जेम्स को ऐसा लगा कि स्ट्रक्चरलिस्ट लोग पूरी तरीके से मिसगाइडेड हैं, उनको पथ से भटक गए हैं। वो कह रहे हैं कि माइंड फ्लूइड है, कोई स्टेबल थोड़ी है, कॉन्शियसनेस ऑन गोइंग है, स्टैटिक नहीं है, हर समय चेतना बदल रही है, चेतना का स्तर बदल रहा है, भाव बदल रहे हैं। वो जो चीज स्थिर है ही नहीं, जो
स्टेबल है ही नहीं, आप उसको कैसे उसका स्ट्रक्चर तोड़ सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं. तो अटेम्प्ट्स टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड वुड देयरफॉर बी फ्यूटाइल एट वर्स्ट एंड फ्रस्ट्रेटिंग एट बेस्ट. वो कह रहे हैं कि आप कितनी भी कोशिश करें आप इसको हासिल नहीं कर सकते. अ मोर फ्यूटाइल एंडेवर दे आर्ग्यूड, उन्होंने ये तर्क दिया कि इससे बढ़िया है कि आप क्या कीजिए, वुड बी टू स्टडी द फंक्शन एज अपोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड. वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि आप माइंड की स्ट्रक्चर को स्टडी ना करें, उसके कार्य को स्टडी करें. इसीलिए इस फिलोसफी को, इस स्कूल ऑफ थॉट को फंक्शनलिज्म कहा गया, जिसको कि हिंदी में प्रकार्यवाद कहते हैं. फंक्शन इन दिस सेंस कैन मीन वन ऑफ टू थिंग्स. ये कह रहे हैं कि फंक्शन का मतलब क्या है. फंक्शन का मतलब फंक्शनलिज्म में दो लेवल पे है. पहला तो क्या, हाउ द माइंड ऑपरेट. कह रहे हैं कि पहले तो हमको ये देखना है कि मन जो है वो काम कैसे करता है. दैट इज हाउ द माइंड ऑपरेट एंड दैट इज हाउ द एलिमेंट्स ऑफ द माइंड वर्क टुगेदर. और दूसरा क्या है, हाउ मेंटल प्रोसेसेस प्रमोट एडेप्टेशन. यानी कि पहला तो हमको देखना है कि मन कैसे काम करता है, दूसरा हमको देखना है कि जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो कैसे एडेप्टेशन को प्रमोट करती हैं. इट फंक्शंड ऑन द माइंड्स फंक्शंस एंड एडेप्टेशंस इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मेंटल प्रोसेसेस देमसेल्व्स. फंक्शनलिस्ट थिंकर्स वर इंटरेस्टेड इन द रोल दैट दीज प्रोसेसेस प्ले. वो कह रहे हैं कि प्रोसेसेस पे अध्ययन करेंगे तो मन का अध्ययन करेंगे तो उसको टुकड़ों में तोड़ेंगे. प्रोसेस का अध्ययन मत कीजिए, कैसे ये प्रोसेसेस हो रही हैं इस पर अध्ययन कीजिए. इन ए फंक्शनलिस्ट अप्रोच फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रोसेसेस दैट कॉज मेंटल स्टेट द फोकस वुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन दैट दोज स्टेट्स आर. क्या प्रोसेसेस हैं, कैसे वो मेंटल स्टेट को क्रिएट कर रही है, इस पर एम्फेसिस नहीं है फंक्शनलिज्म का, बल्कि इस पे है कि वो कौन से काम कर रही है वो मेंटल प्रोसेसेस. यानी कि स्ट्रक्चर छोड़ के फंक्शन पे इम्फेसिस है, इसीलिए वहां स्ट्रक्चरलिज्म यहाँ फंक्शनलिज्म है. और ये आपको ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी साउंड कर रहा होगा, ज्यादा साइंटिफिक साउंड कर रहा होगा कि मन के कार्य का अध्ययन किया जाए. मन का अध्ययन करना हमारे वश में नहीं है बिकॉज वो स्टैटिक नहीं है, बिकॉज वो ऑनगोइंग स्टेट में है. द फंक्शनलिस्ट स्कूल वॉज इंटरेस्टेड इन द पर्पज ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर्स. ये किसमें इनकी रुचि थी, फंक्शनलिस्ट की, उनकी इसमें रुचि थी कि जो हमारे थॉट्स और बिहेवियर्स उनका पर्पज क्या है. वेयर इज स्ट्रक्चरलिज्म वॉज कंसर्न द एलिमेंट्स दैट मेक अप कॉन्शियसनेस. और स्ट्रक्चरलिज्म का लेना देना किससे था, सरोकार किससे था, कि वो तत्व जो मिलकर चेतना का निर्माण करते हैं. फिर अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म द एम ऑफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट फॉर एंड व्हाट ऑफ मेंटल प्रोसेस. यानी कि जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो किसके लिए हैं और किसका कैसे बनी, मतलब कैसे काम करती हैं. इट इज कंसर्न विद द नेचर. कहीं कहीं गलती हो जाती है स्पेलिंग में, देखिए नेचर में डबल आर हो गया, फंक्शन में डबल आई हो गया, इसको आप माइंड मत कीजिएगा. इट इज कंसर्न विद द even concerned की भी spelling गलत है. It is concerned with the nature and functions of mental processes which emphasizes how these processes work. फंक्शनलिस्ट बिलीव दैट द माइंड एंड बॉडी आर इंट्रिंसिक. ओ माय गॉड, ये कैसे टाइप किया मैंने, बहुत ज्यादा गलती हो गई, प्लीज सॉरी. हाँ ये कैसे, देखिए एंड में ए, ये ए एन डी, इंट्रिंसिकली की भी स्पेलिंग गलत है. वन दो दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, आई एम सो सॉरी. तो वो कह रहे हैं कि फंक्शनलिज्म में जो है एम ऑफ साइकोलॉजी है कि व्हाट फॉर एंड व्हाट ऑफ मेंटल प्रोसेस देखना है. यहाँ पे हमको मेंटल प्रोसेस के नेचर और फंक्शन से मतलब है कि कैसे काम हो रहा है. फंक्शनलिस्ट बिलीव दैट द माइंड एंड बॉडी आर इंट्रिंसिकली वन दो दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट. वो कह रहे हैं मन और शरीर जो है वो मुख्य रूप से एकीकृत होकर एक ही है, बस वो अलग अलग हमें दिखता है. Thus, while the structuralists asked what happens when we engage in mental activity, the functionalists were more concerned with how it happens and why. यानी कि स्ट्रक्चरलिस्ट का अगर इम्फेसिस इस पे है कि क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं ना कि मन के अंदर झांके देखो क्या हो रहा है, मन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, जबकि फंक्शनलिस्ट कह रहे हैं कि क्यों, हाउ इट हैपेंस, ये कैसे होता है और क्यों होता है, यानी कि काम पे इम्फेसिस. ठीक है, तो फंक्शनलिज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हुआ कि फंक्शनलिज्म रिवोल्यूशनाइज्ड द करिकुलम बाय रिप्लेसिंग थ्योरेटिकल ओवरलोडेड करिकुलम विद प्रैक्टिकल अप्रोचेस. Functionalism gave utmost importance to learning by doing and developed activity-oriented methods like project methods for teaching and learning. It gave birth to utilitarian theory of education. While the structuralist established psychology as a pure science, the functionalist broadened this narrow focus by also concentrating on the practical application of psychology to real world problems. मतलब इसने हमको practical problem हल करना सिखाया, इसने theoretical overload को कम किया, इसने learning by doing पे emphasis हमको सिखाया, activity based बनाया, utilitarian theory को जन्म दिया. और जबकि psychology structuralist ने ये हमको सिखाया कि psychology pure science है, functionalist हमको ये सिखा रहे हैं कि कैसे आप psychology को real world problem के स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा ओके, मैं सोची एक और स्लाइड है. तो इस तरह से ये टॉपिक और डिस्कशन खत्म होता है, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म. देखिए चूंकि ये शुरुआती है, बहुत ज्यादा
आपसे थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिवली जहाँ क्वेश्चन आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा पहला थॉट हुआ, तो स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, किसने बनाया, तो विलियम वुंड ने बनाया, विलियम वुंड ने और क्या बनाया, उन्होंने 1879 में लिप्टिक में फर्स्ट साइकोलॉजी लैब बनाई, कौन उनके शिष्य हुए, तो टिटनर हुए, उनका ही मेन काम है। यहाँ पे क्या है, मेंटल प्रोसेसेस को तोड़ा जा रहा है, मेथड कौन सा बता रहे हैं, वो इंट्रोस्पेक्शन बता रहे हैं, और फंक्शनलिज्म क्या क्या कर रहा है, फंक्शनलिज्म कह रहा है कि हम क्या है मेंटल प्रोसेस से मतलब नहीं, वो कैसे काम करता है ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इनका फंक्शन इस पे इम्फेसिस इस पे है, और इसके जो प्रणेता है वो विलियम जेम्स है। ओके, तो अब मैं अपने एंड पे कह सकती हूँ कि सामने मैंने सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस कर लिए, बस साइको एनालिसिस नहीं, फ्रायड भी डिस्कस किया है मैंने, फ्रायड को डिस्कस किया है साइकोलॉजी में ना, तो अब मैं कह सकती हूँ कि मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म, जेस्टाल्ट या गेस्टाल्ट आप कहते हैं, साइको एनालिसिस, और इवन मैंने कार्ल रोजर्स भी पढ़ाया है साइकोलॉजी में, पर्सनैलिटी थियरी में, तो आप कह सकते हैं कि ह्यूमेनिस्टिक अप्रोच भी। ओके, सो कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई हैव डन फॉर माई